हेलो गाइस, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी व्यक्ति अपने जानवरों जैसे गाय भैंस बकरी आदि को नहीं चरा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मतलब इस नेशनल पार्क में ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, जैसे उसके गाय भैंस कुछ भी हो ना, वो उनको चरा नहीं सकता है। राष्ट्रीय उद्यान में न तो कोई पर्यटक घूमने जा सकता है और न ही वहाँ रह सकता है। मतलब नेशनल पार्क में न तो कोई पर्यटक जो होते हैं वो घूमने जा सकते हैं और न ही वहाँ रह सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभयारण्य में नहीं बदला जा सकता है। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया फर्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, यह इसे टाइगर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित बालाघाट जिले में होता है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड है गिर नेशनल पार्क, यह गुजरात में स्थित है तथा इसकी स्थापना विशेषकर एशियाई लोयन के एशियोटिक लोयन के लिए की गई है। लगभग 50 वर्ष पहले लोयन संपूर्ण मध्य भारत एवं उत्तर भारत में पाए जाते थे, परंतु अब ये केवल इसी पार्क में पाए जाते हैं। अब थर्ड है चमराज नागर नेशनल पार्क, यह कर्नाटक के जंगलों में स्थित है। इस क्षेत्र में हाथी काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो चमराज नागर नेशनल पार्क है उसमें हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फोर्थ है कांजीरंगो नेशनल पार्क, कांजीरंगा यह असम में स्थित है एवं राइनोसिरोस के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह राइनोसिरोस के लिए होता है। फिफ्थ है इंद्रावती नेशनल पार्क, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है एवं इसका क्षेत्रफल जो है 1258 वर्ग किलोमीटर है। सन 1982 में इसे टाइगर रिजर्व सेंटर घोषित किया गया। सिक्स है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है एवं इसका क्षेत्रफल 140 वर्ग किलोमीटर है। विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ सर्वप्रथम इसी पार्क में खोजा गया था। जो मतलब विश्व में प्रसिद्ध जो सफ़ेद बाघ जो होते हैं वह सर्वप्रथम बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही खोजे गए थे। अब है सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी अभ्यारण्य किसे कहते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई भी अपने जानवर जैसे गाय भैंस बकरी आदि को कुछ समय के लिए चरा सकते हैं। जो नेशनल पार्क था उसमें नहीं चरा सकते, और इसमें सेंचुरी में कुछ समय के लिए चरा सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में भी कोई पर्यटक नहीं रह सकते हैं पर घूमने जा सकते हैं। इसमें भी कोई पर्यटक रह तो नहीं सकता है पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते हैं। सेंचुरी ऑफ इंडिया फर्स्ट है गिर फॉरेस्ट, यह गुजरात में स्थित है तथा 500 वर्ग मील में फैला है। यह भारतीय लायन का सेंचुरी है। सेकंड है कांजीरंगा सेंचुरी, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। एक सिंह वाला राइनो यहाँ का मुख्य वन्य जीव है। थर्ड है कान्हा सेंचुरी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बाघ चीता शेर हिरण का अभयारण्य है। जो कान्हा सेंचुरी है वह एक नेशनल पार्क भी है और एक सेंचुरी भी है। फोर्थ है जालापारा सेंचुरी, यह पश्चिम बंगाल में स्थित गेंडों का अभयारण्य है। गेंडों की जो गेंडे होते हैं यह जालापार सेंचुरी है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।